बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट कर कोरोना वैक्सीन की बर्बादी रोकने की अपील की थी। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कोरोना वैक्सीन की हो रही बर्बादी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और नीतीश कुमार को बधाई भेजना चाहिए। रविवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में 16 साल से NDA की सरकार है। इस दौरान NDA ने बिहार में अपराध, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्रों में राज्य को नीचे तो रखा ही, साथ ही अब वैक्सीन की बर्बादी में बिहार को ऊपर से नंबर एक पर रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग को बधाई भेजा जाना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक अखबार की खबर को शेयर करते हुए यह बातें कही है। खबर में यह भी कहा गया है कि देश में वैक्सीन की बर्बादी 8 राज्यों में सबसे अधिक हो रही है। इसमें सबसे पहले स्थान पर बिहार को रखा गया है। बताया गया है कि बिहार में 1 मई से लेकर अब तक 1,26,000 डोज बर्बाद हो गई है। इसी के आधार पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। हालांकि केंद्र की ओर से भी इस मामले में रिपोर्ट जारी की गई है। गौरतलब हो कि कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह माना था कि वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। इसको देखते हुए उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन टीके की बर्बादी रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी लहर का सामना करने के लिए बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है। यह बातें सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा था। इस दौरान टीके को लेकर सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर ही कहा था कि बिहार में टीकाकरण युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन का कार्य हो रहा है, जबकि RJD और कांग्रेस टीके को लेकर गरीबों, ग्रामीणों के बीच भ्रम फैलाने में लगी हुई है।